हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हम आ चुके हैं गोरख बाबा की नगरी गोरखपुर में, और ये है पार्किंग एरिया जहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की। और 4 नंबर गेट से आएंगे आप तो एंट्री कर सकते हैं, उधर मेन गेट है जहाँ से आप पैदल भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग अगर आपको करनी है गाड़ी वगैरह तो 4 नंबर से आना पड़ेगा। इतना सुविधा केंद्र पे कैमरा जमा हो गया है और कैमरा अंदर अलाउ नहीं था, उसका एक टोकन मिला है, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं मोबाइल लेके। मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुका हूँ और अंदर कुछ ऐसा नज़ारा है, पार्क टाइप का बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। और ये मंदिर है, अब हम अंदर चलेंगे, प्रवेश करेंगे। यहाँ का भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। अंदर काफ़ी फूल पौधे लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इस फूल पौधों की वजह से काफ़ी खूबसूरती बढ़ जाती है इस मंदिर की। और इधर ऊंचे ऊंचे पेड़, काफ़ी सुंदर परिसर है। एंट्री में ही काफ़ी सुंदर लगा हमें। इधर कुछ एक फाउंटेन भी है, आप लोग देख सकते हैं, चलता होगा, फिलहाल अभी नहीं चल रहा, अभी बंद है ये। एक फाउंटेन बना हुआ है। उस साइड में एक तालाब है और उसमें बोटिंग भी है, उधर भी चलेंगे और देखेंगे कि क्या सुविधा है उधर का और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। अगर मौका मिला तो हम लोग करेंगे भी। अपना अपना शूज चप्पल जो भी पहन के आप आए हैं उसको रख सकते हो। काफ़ी ठंडी है, हम लोगों ने शूज रख दिया और आगे चल रहे हैं। अंदर जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है। कुछ ऐसा है, उधर कुछ एरिया और कुछ एरिया इधर है। अंदर की तरफ बढ़ते हुए हैं, ठंडी लग रही है, इस वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बट काफ़ी खुशी हो रही है गोरख बाबा के मंदिर में आके। पहली बार आया हूँ गोरख बाबा के मंदिर में, और योगी आदित्यनाथ जी के हमारे CM जो हैं उनकी नगरी है ये, गोरख बाबा की नगरी है। और काफ़ी सुंदर परिसर आप लोग देख सकते हैं, एकदम चारों तरफ साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है, मज़ा आ रहा है। प्रसाद चढ़ा के गोरख बाबा को हम लोग आ चुके हैं, और मंदिर के दूसरे साइड में, दूसरे हिस्से की तरफ, इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे, पूजा करेंगे। किरण जी यहाँ कन्फ्यूज है, हम भी कन्फ्यूज है कि कहाँ अगरबत्ती जलाएं। हाँ, यहाँ पे अगरबत्तियाँ जलती हैं। यह सिंदूर घर लेके जाते हैं लोग, जानते हैं हम, बता थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। शैलेश भाई अगरबत्ती जला रहे हैं, मैं अगरबत्ती जला चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। ये गोरख बाबा का मंदिर था, जिधर अंदर गोरख बाबा हैं, इधर एक मंदिर है और एक पीछे भी मंदिर है। ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका दृश्य देखने में एक बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। किरण जी हैं, लगी हुई हैं, वो भी अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट करने में, और इनके भी ब्लॉगिंग की शुरुआत है। आप जितने भी ऑडियंस हैं इनके भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। शैलेश भाई हैं, उनका भी ब्लॉग चैनल अब स्टार्ट हो रहा है, तो उनके भी चैनल को जाके आप ब्लॉग के नाम से और किरण ब्लॉग के नाम से आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए हम जैसे कर रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं, उससे मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। शैलेश भाई उस वाले मंदिर में थोड़ा सा शूट करवा। अच्छा, खिचड़ी का माहौल है, खिचड़ी मेला लगा हुआ है गोरख बाबा के मंदिर के परिसर में, और खिचड़ी मेला आप जानते ही होंगे, गोरख बाबा को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए इनको खिचड़ी चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, और हमने भी चढ़ाया है। और उतना ही नहीं, खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, गोरख बाबा के मंदिर परिसर की तरफ से एक तरह से भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें खिचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है सभी भक्तों को। देख सकते हैं पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है,
और सब लोग गोरख बाबा का दर्शन करके आ रहे हैं और अगले मंदिरों में जो भी आसपास के मंदिरों में उसमें दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग गोरख बाबा के मंदिर आ चुके हैं वो लोग कमेंट जरूर बताएं और एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।